ये होता है फ्रेसनल डायफ्रेक्शन, ठीक है, इंसिडेंट रेज होती हैं ये ऐसे करके, ठीक है, ऑब्स्टेकल से टकराती हैं और डायफ्रेक्टेड रेज होती हैं। जहन में रहे फ्रेसनल डायफ्रेक्शन में डायफ्रेक्टेड रेज में पैरेलल नहीं होती और ये जो डिस्टेंस है फाइनाइट डिस्टेंस होता है, स्क्रीन पे जाके जमा हो जाती हैं। जबकि इसके बरक्स फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन अगर गौर से देखो, ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है, और ये डायफ्रेक्टेड रेज है। ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद क्या हो जाती हैं, पैरेलल होती हैं और डिस्टेंस भी क्या होता है, इनफाइनाइट फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन में। अब इसी से रिलेटेड और बड़ी अच्छी एमसीक्यू जो बहुत आती है, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन आर डायफ्रेक्शन पैटर्न इफ होल अपरेटस इज इमर्ज इन वाटर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीज, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो देखो होता क्या है कि अगर आप पूरे ऑपरेटस को पानी में डिप कर दोगे तो वेवलेंथ चेंज होगी, किससे डिवाइड होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है कम होता है, ज़्यादा होता है, वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो लाजमी बात है वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एयर, देयरफॉर वेवलेंथ डिक्रीज। अब वेव तो सेंट्रल मैक्सिमा किस पर डिपेंड करती है, 2λ/1 पे। ए तो वही ना, लैम्डा चेंज हो गया, लैम्डा चेंज होने की वजह से क्या होगा, देयरफॉर हैज द वेवलेंथ डिक्रीजेस द वेथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आल्सो डिक्रीजेस। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज।